वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिड़िया सिस्टर हियर। मैं हूँ चिंता। तो क्लास 7 का नया सिलेबस जो आ गया है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। पहला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है और दूसरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है ना तो इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखना, वहां पे इंपॉर्टेंट थ्योरीज सारे एग्जांपल्स हमने कराए हैं। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है पहला हमसे कह रहा है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। मतलब ये इस तरीके से हमको ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये ऑप्शन किसके, ये जो ऑप्शन है किनके साथ फिट बैठ रहा है, किस डायग्राम के साथ फिट बैठ रहा है। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास की होती है ना तो आप तुरंत बता देते। फिलहाल हमको तो कराना है, हम तो कराएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि यहाँ पे हम पहले वाले डायग्राम को जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कितने हिस्से हैं इसमें, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा। ऐसे ही इसमें भी एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा। मतलब तीनों ही डायग्राम हमारे सेम है और सब में ही हमारे तीन हिस्से हैं। तो कुल हिस्से हमारे कितने निकल के आ रहे हैं, ठीक है, कुल हिस्से हमारे निकल के आ रहे हैं तीन, ठीक है। अगर पहले वाले की बात करते हैं तो कुल हिस्से हैं तीन, उसमें से छायांकित कितने हैं, दो छायांकित हैं, दो को ऊपर लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था छायांकित वाला ऊपर लिखा जाता है, कुल वाला नीचे लिखा। ऐसे हम इसकी बात करते हैं सेकेंड वाले की, तो सेकेंड वाले में भी कुल तीन हिस्से हैं, दो छायांकित है। थर्ड वाले की बात करते हैं, कुल हमारे तीन हिस्से हैं, दो छायांकित हैं। अब हमको, हमने हमारे चैप्टर में क्या बताया गया था, इनको हम इस तरीके से ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सेम चीज तीन बार लिखी गई है और लिखी क्या गई है, दो बटे तीन, ठीक है। तो ये अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हमसे इससे मिल गया है। तो मतलब ए वाला जो है वो हमारा किससे मिला जाके, थर्ड वाला जो पॉइंट है उससे मिल गया है जाके, आया समझ में। अब अपने बी वाले डायग्राम को देखते हैं, एक हिस्सा, दो हिस्सा, दो हिस्से हैं इसमें, एक छायांकित है, इसमें भी दो हिस्से हैं, एक छायांकित है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक बटे में ये हम ए डाल देते हैं यहाँ पे, ये इसको बी डाल देते हैं ताकि जब आप नोट्स लो तो आपको पता चले। अब आप कहोगे नोट्स कहाँ से लेंगे, अगर कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा तो उनको बता रहे। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे हमारे इस चैनल के नाम से सर्च करिएगा जॉर्जस स्टडी, वहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन में, पर आपको सर्च करना है जॉर्जस स्टडी के नाम से तो ऐप आ जाएगा। वहां पे सारे हैंड रिटन नोट्स, सारी फ्री बुक्स, सारे सोल्यूशन आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे टोटल दो हिस्से थे, एक छायांकित था पहले वाले हिस्से में, दूसरा वाला जो डायग्राम था ये वाला, इसमें भी दो हिस्से हैं, एक छायांकित है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारी सेम चीज लिखी हुई है कितनी बार, दो बार लिखी हुई है, और सेम चीज लिखी क्या है, एक बटे दो। तो ये वाला ऑप्शन किससे मैच खा रहा है, ये इससे मैच खा रहा है, मतलब बी वाला सेकेंड से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बी वाला जो है सेकेंड से मिला देंगे। अब सी वाला देखते हैं, फिर हम डी वाला देखते हैं, ये किससे मिलेंगे। ये रहा हमारा सी वाला, सी वाले को जब हम देखते हैं, पहले वाले में कितने टोटल हिस्से हैं, चार, चार में छायांकित कितने हैं, एक छायांकित है, लिख दिया प्लस लगा दिया। इस वाले हिस्से में टोटल चार हिस्से हैं, अपॉन में चार लिख दिया, एक ही छायांकित है। तीसरे वाले में भी चार हिस्से है, एक ही छायांकित है, तो एक बटे में चार लिख दिया। इसको हम गुणा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सेम चीज कितनी बार लिखी गई है, तीन बार लिखी गई है, सेम चीज जो लिखी गई है वो है क्या, एक बटे चार। इस तरीके से तीन गुणे में एक बटे चार हमारा कहाँ है, तीन गुणे में एक बटे चार हमारे पास ये है। तो सी वाला ऑप्शन हमारे फोर्थ से मैच खा गया। अब डी वाला तो ऑलरेडी अपने आप हमारा इससे मैच खा गया है, ए से मिल गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं, थोड़ी हमारी लाइन जो है तिरछी हो गई है, ठीक है, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको समझाएंगे जरूर, परेशान मत होना। अब हम करते हैं अपना डी वाला, तो डी वाले में इसमें टोटल कितने हिस्से, पांच हिस्से हैं, एक छायांकित है, इसमें भी पांच हिस्से हैं, एक छायांकित है। तो टोटल को ऊपर, छायांकित को, टोटल को नीचे, छायांकित को ऊपर, टोटल को नीचे और छायांकित को ऊपर। तो कितनी बार सेम चीज लिखी है, दो बार लिखी है, लिखी क्या है, एक बटे पांच। तो दो गुणे एक बटे पांच, इस तरीके से हमने इनका कर दिया है मिला, हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन से निम्नलिखित को दर्शाता है। तो इसमें भी हमें ढूंढना है, ठीक है, मैचिंग करनी है। तो पहले ए वाले
वाले पे चलते हैं। ए वाले पे जब हम चले तो हमने देखा कि यहाँ पे तीन हिस्से हैं, एक छायांकित है तो टोटल वाला नीचे और एक छायांकित वाला ऊपर, ठीक है, और प्लस कर दिया तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें भी तीन हिस्से हैं, एक छायांकित है, तीन हिस्से, टोटल तीन हिस्से थे, नील को हमें ऊपर लिखना है, कौन में कुल वाले को नील ऊपर लिखना है, छायांकित वाले को ऊपर लिखना है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, तो दोनों के हर में क्या है, दोनों के हर में हमारे पास तीन है तो तीन लिख देंगे, जब हर हमारा समान होता है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो जुड़ के क्या आ जाएगा, एक प्लस एक मतलब दो आ जाएगा, दो बटे तीन। अब इससे क्या शो हो रहा है, टोटल तीन हिस्से हैं और दो छायांकित है, तो यहाँ पे हमको टोटल तीन हिस्से हैं, दो छायांकित है, मतलब ये इससे मैच खा गया है, ठीक है। पहले वाला जो है वो हमारा ए से मैच खा गया है। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला किससे मैच खाएगा, फिर हम देखेंगे थर्ड वाला किससे मैच खाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है, इस वाले डायग्राम को देखते हैं, तो यहाँ पे हमको टोटल कितने हिस्से दिख रहे हैं, एक दो तीन चार, ऐसे इसमें भी है एक दो तीन चार, इसमें भी चार हिस्से दिख रहे हैं, इधर भी सब में चार ही हिस्से, तो हम क्या करेंगे, बी वाले को करेंगे, बटे में चार लिखेंगे, छायांकित कितने हैं, तीन हिस्से छायांकित है। इस वाले में भी हम देखते हैं कि तीन ही हिस्से हमारे छायांकित है, थर्ड वाले में भी तीन हिस्से हमारे छायांकित है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अपॉन में हमारा जो भी है, बटे में हमारा सारा का सारा समान है तो बटे में चार लिख दिया, जब हर हमारा समान होता है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तीन तीन छह तीन तीन नौ, तो नौ बटे में चार आ गया। अब हमारी ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है, जिसे हम विषम भिन्न कहते हैं, ऐसे भिन्न मिश्रित भिन्न में चेंज हो जाती है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज करें, ठीक है। ये हमारी कैसी थी, उचित भिन्न थी, क्योंकि इसका हर बड़ा था इसका हर छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न है। चार से नौ को भाग करेंगे, चार दुनी आठ, एक बच जाएगा, जो शेष होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जो हमारा ये आता है पूर्ण संख्या भागफल होता है उसको पूर्ण संख्या के रूप में लिख देते हैं, हर लिखा रहता है। इससे क्या दर्शा रहा है, ये दो क्या दर्शा रहा है, पूर्ण संख्या दर्शाता है ना, इसका मतलब पूरा का पूरा दो हिस्से जो हैं वो हमारे पूरे के पूरे छायांकित है। जो एक बटे चार है इससे क्या दर्शा रहा है, एक हिस्सा छायांकित है और टोटल चार हिस्से हैं, एक बटे चार का मतलब टोटल चार हिस्से और एक जो है वो हमारा छायांकित है और दो हिस्से पूरे पूरे वो है, तो ये वाला इससे मैच खा रहा है ना, दो बटे तीन, दो सही एक बटे चार, अच्छा दो सही एक बटे चार, ये आ गया, ठीक है, ये वाला हमारा इससे मैच खा गया, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी गुणा में भी लिख सकते हैं, तीन तीन सेम चीज कितनी बार लिखी गई, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन बटे चार को लिखा गया है, सेम चीज है, कितनी बार, तीन तीन बार लिखी गई है, तो तीन बार हमने इस तरीके से लिख दिया, इधर हिस्सा हम हटा देते हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना पता चल गया, इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार पांच हिस्से हैं, एक छायांकित, इसमें भी पांच हिस्से हैं, एक छायांकित, इसमें भी पांच हिस्से हैं, एक छायांकित, तो इससे हमें क्या निकल के आता है, सी वाले में टोटल पांच हिस्से एक छायांकित, फिर हमारे टोटल पांच हिस्से एक छायांकित, फिर हमारे एक छायांकित और पांच टोटल हिस्से, तो इसको या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज कितनी बार लिखी गई है, तीन बार लिखी गई है, और लिखा क्या गया है, एक बटे पांच लिखा गया, तो ये वाला हमको, अच्छा ये वाला हमने गलत मैच कर दिया उसके लिए सॉरी, पर हमने आपको समझाया सही है, ठीक है। ये वाला जो है, एक चीज देख लीजिए भैया, ठीक है, ये वाला इससे मैच कर रहा था, यही तो आया था हमारा, दो बटे तीन आया था, दो बटे तीन यहाँ पे आ रहा है, अब ये वाला हमारा इससे मैच हो जाएगा ऑलरेडी, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, ये तो आ गया। अब हमारा तीन बटे पांच कैसे आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो तीन बटे पांच आ जाएगा, चाहे से तो इस विधि से कर लो, चाहे तो इस विधि से कर लो, हमारा हर समान है, पर जो हर समान होते हैं ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो तीन बटे पांच आ गया, चाहे तो गुणा विधि से कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो तीन बटे पांच का मतलब क्या हुआ, पांच हिस्से टोटल, तीन छायांकित, पांच हिस्से टोटल, तीन हमारे छायांकित, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करेंगे अपना थर्ड वाला क्वेश्चन, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, ठीक है। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है, मिश्रित, अगर मिश्रित भिन्न में हो रहा है तो मिश्रित भिन्न में लिखना है,
ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी होती ये सब आप फटाक से कर लेते हैं, तुरंत चुटकी बजाते ही कर लेते, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग देख लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 7 × 3/5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देख लो 7 और 3 की गुणा कर देंगे, हो जाएगा 21/5। ठीक है, इसका हर जो है छोटा है, हर जब छोटा होता है तो उसको हम अनुचित बिंग कहते हैं या विषम बिंग कहते हैं, ऐसी बिंगों को हम मिश्रित बिंग में चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 5 से 21 को भाग करेंगे, 4×5 = 20 होता है, 1 हमारा शेष होगा, शेष वाला अंश बन जाता है और भागफल हमारी पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाता है 5/5। ये हो गया पहले का आंसर। अब हम सेकेंड वाला करते हैं, तो सेकेंड वाला है 4 × 1/3। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे 4 और 1 की गुणा की, 4 हुआ 3 है, इसका भी हर छोटा है तो ये मिश्रित बिंग में चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे, 3 से 4 को भाग करेंगे, 3 × 1 = 3, 1 शेष हो गया, 1 ही भागफल है, तो 1 सही 1/3 आ जाएगा, हर हमारा सेम ही रहता है। अब करेंगे हम तीसरा वाला क्वेश्चन, तो तीसरा वाले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 2 × 6/7, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 दूनी हो जाएगा 12/7, इसका भी हर हमारा छोटा है तो इसको मिश्रित बिंग में चेंज किया जा सकता है। 7 को 12 से करेंगे भाग, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 12, 5 बच गया, तो शेष जो होता है वो ऊपर जाएगा और भागफल हमारी पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे हमारा हर में 7 था ना, तो 7 लिखा जाएगा। अब करेंगे हम अपना चौथा वाला क्वेश्चन, चौथे वाले क्वेश्चन में है 5 × 2/9। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 5 की गुणा कर देंगे 2 से, हो जाएगा 10/9, अभी भी हर हमारा छोटा है तो 9 से भाग करेंगे 10 को, 9 × 1 = 9, शेष 1 आ गया और भागफल भी 1 आया है, तो शेष को ऊपर लिख दिया अंश के रूप में, भागफल को यहाँ पे पूर्ण संख्या के रूप में 9 लिख दिया। अब करेंगे हम अपना पांचवा वाला पार्ट, तो पांचवा वाला पार्ट जो है वो क्या है, 2 × 3 × 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 से 4 की गुणा हो जाएगा 8/3। अब हम 3 से 8 को करेंगे भाग, 3 × 6 बच गया 2, तो भागफल भी हमारा 2 है, शेष भी 2 है, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4-5 क्वेश्चन हो गए। अब हम कर लेते हैं अपने बाकी के अगले 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो है उनको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन करेंगे। तो छठवे वाले में इसको यहाँ पे कर लेंगे, 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 इसको यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे कर लेंगे, तो 6×5 क्या हो जाएगा, 30/2 हो जाएगा। अब 2 से भाग करेंगे, काट देंगे 2 × 1 = 2, और 2×15 = 30 होता है, तो इसका आंसर हमारा 15 आ गया। इसको करेंगे तो 11×44/7, हर छोटा है तो भाग करेंगे, 7 से 44 को भाग करेंगे, तो 7×4 = 28, 7×5 = 42, 7×6 = 42 करेंगे, 2 शेष आ गए, शेष को हम यहाँ पे लिखते हैं अंश में, हर हमारा सेम रहता है, भागफल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको करेंगे चौथे वाले को, 20×80 हो जाएगा और 5/5 काट देंगे, 5×5, 5×5, 5×6 = 30, ये आ जाएगा हमारा 16। चौथे वाले को करेंगे तो 13×13/3, इसमें भी हर छोटा है तो 3 से अंगी मारी मिश्रित बिंग में चेंज हो जाएगी, 3×3 = 9, 3×6 = 12। ठीक है, 1 शेष हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, शेष ऊपर जाएगा, भागफल इधर आएगा और 5/2 उतना रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको करेंगे, ठीक है, इसको पहले हम एक चीज रफ कर देते हैं यहां से, नहीं तो आप जब नोट्स लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 15×45/5 काट देंगे, 5×5, 5×5 = 45, तो हमारा 9 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए, अभी एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन बचे हुए। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरी हम्बल क्वेश्चन चैनल को शेयर जरूर करें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम करते हैं आपको बाय।